टेस्ला जैसी पॉपुलर कंपनी की गाड़ी आज के दिन तक आप इंडिया में नहीं खरीद सकते। क्या रीजन है इसके पीछे? इलोन मस्क का कहना है इंडिया में लगाए गए इंपोर्ट टैक्सेस। अगर कंप्लीटली बिल्ड गाड़ियों को जो बाहर बिल्ड करी गई हैं उन्हें इंडिया में इंपोर्ट किया जाता है तो 60% इंपोर्ट टैक्स लगता है अगर उनकी CIF वैल्यू $40,000 से कम की है, और उससे ज्यादा की है तो 100% इंपोर्ट टैक्स लगता है इन गाड़ियों पर। CIF वैल्यू का मतलब है कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ टेस्ला गाड़ी की कीमत जो $44,000 से शुरू होती है USA में, अगर उसे इंडिया में लाकर बेचा जाएगा इन टैक्सेस के साथ तो एक गाड़ी की कीमत 60 लाख रुपीज से शुरू होगी। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि अगर टेस्ला को अपनी गाड़ियां इंडिया में बिना टैक्सेस के बेचनी है तो वो एक्चुअली में इंडिया में आकर मैन्युफैक्चर करें अपनी गाड़ियों को, या फिर कम से कम असेंबल ही कर लें इंडिया में, तब ये इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं पे करनी पड़ेंगी। इलोन मस्क कहते हैं कि वो पहले टेस्ट करना चाहेंगे इंडियन मार्केट को गाड़ियां बेचकर, इससे पहले कि वो कमिट करें कि वो यहां पर मैन्युफैक्चर करें कुछ। आपकी क्या राय है यहां पर, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए।